रामा भाई ने हमारे पास से काम छोड़ दिया है। डैडी, मम्मी और मैं अभी हम तीनों ही काम करने वाले। अच्छी बात जाए नहीं है सुना के लिए थे क्या बिकाय मनते कहीं नहीं तुला काफी ज्यादा हार्ड है भाई ये गाड़ी ढकलते और हमारे बर्तन धोने वाली आंटी मम्मी को मदद कर रही है। आज दुनिया का सबसे हार्ड काम बोले ना भाई ये जो हम लोग कर रहे हैं। 1 बजे सोने के बाद तुरंत ना सुबह 4:30 बजे उठ गया, 3-3.5 घंटे की नींद और मम्मी भी एकदम फ्रेश हो गया, जल्दी जा रहे हम लोग 5 बजे। उसके पीछे जाने का कारण क्या है तुम लोगों को बताता हूँ मैं। जाने का कारण ये है कि जो हमारे पास रामा भाई थे काम को, रामा भाई ने हमारे पास से काम छोड़ दिया है और सब लोग ऐसे एक एक करके जा रहे हैं। और जो पिछले 3 महीने हम लोग ने बीते हैं, 3 ने 4 महीने वो दिन वापस से आज वो दिन की शुरुआत आज से पहले दिन है, मतलब सोमवार से चालू हो गया है वो दिन की शुरुआत। और डैडी, मम्मी और मैं अभी हम तीनों ही काम करने वाले, तो तुम समझा करो 4 से 4 12 घंटे का काम अभी रहेगा, है ना? उतना तो मैक्स रहेगा ना सब कुछ करते करते। चलो भाई सही लगा एकदम, मतलब रामा भाई जब थे तभी मेरा मतलब काम बचने का भाई बहुत अच्छे से काम बच गया था। मैं जस्ट बिजनेस पे काम करता था, अभी घर का भी काम करना पड़ेगा तो चले गए। यही चीज की बात कर रहा था कि मैं मेरे चीजों को ना काफी ज्यादा अच्छे से टाइम दे नहीं पाता हूँ ये बिजनेस के कारण, और मैं मेरे तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है ना, जितना मैं ट्राई कर सकता हूँ उतना पूरा ट्राई करता हूँ मैं। तो तुम लोग समझा करो मैं कौन से प्रेशर में हूँ पिछले 6 महीने से। तुम लोग ब्लॉग तो देखते ही और तुम लोग को काफी ज्यादा अच्छे से समझता है ये चीज। ऐक, किचन मध्ये बसून रामाजा लेकरू झोपले, तिच्या जवळ जाऊन तिच्या पिछाण्यामध्ये झोपायचं नाही, काय किचन मध्ये झोपून राहायचं बेटा तुला, काय अजिबात जायचं नाहीये सना, तुला ऐकायला येते का मी काय म्हणते काय नाही, तुला येतो ना ऐकायला, झोप इथंच, अजिबात राहायचं नाही सिटीतच, इथं नाही झोपणार ती, तिकडे आतमध्ये जाणार आणि त्या बेड वरती झोपणार, असं माझ्या बहिणीच्या बाजूला झोपणार, दोघातून एक जागा फिक्स। चला चलो तिकडल्या घरी आणि काम करू, आता काय करू शकतो आपण। सो आगा ये वाले घर पे चटनी वगैरह बन रही है ग्राइंडर में और अभी तक सांबर विंबर वगैरह चालू नहीं होगा, ठीक है अभी स्लो करेगा हमारे हिसाब से काम। लड़के लोग ने कोई नहीं, अपने से जितना होता है उतना करने का है कि नहीं? टेंशन मत ले, टेंशन लेता तो इधर आता था क्या मैं? चलो वैन की चाबी किधर है? वैन ले जाता हूँ, वैन का चाबी दो जल्दी। 1 सेकेंड, हाँ पानी भर के लो दोनों कुकर वगैरह एकदम। ये कुकर आ गया भाई सिट्टी, 1 सेकेंड चेक कर लो, ये रेडी है। इसको तो टाइम लगेगा, इसके अंदर दाल और इसके अंदर आलू है ना, तो आलू जल्दी से मतलब पक जाता है और उसको टाइम लगेगा, फिर इडली भी डाल लेगा एकदम आराम से। सो आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग हमारी गाड़ी अपने जुन्ने जगह पे लगा गए क्योंकि जगह वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। बाय द वे अपने को नया पार्किंग मिल गया, वो भी वैन नहीं रहेगी अभी ब्रिज के नीचे जस्ट, और गाड़ी जिधर हमारी पहले जुन्ने जगह पे लगने की उधर ही आएगी। हम लोग पहले वो कॉर्नर में थे अभी जहाँ पे थे वहाँ पे आएगा, ये सामने। आने वाले टाइम पे इतना क्राउड बढ़ने वाला है, इतना क्रेज बढ़ने वाला है ब्रिज जब भी बनेगा 2 महीने में, और ऐसे सिचुएशन में ना उसमें भी लड़के लोग वगैरह जो काम किए वो लोग अच्छी पगार होने के बावजूद भी छोड़ के जाते हैं। प्रॉब्लम तभी हो जाती है हम लोगों को क्योंकि ना हमारे बिजनेस पे ना मैक्सिमम 5 से लेके 6 लोगों का काम है और उसमें भी अभी मैं और डैडी रह गए पहले ऐसे हैंडल करने के लिए। कोई ना भाई, तो फिलहाल इडली का कपड़ा वगैरह लगा के हो चुका है और पानी वगैरह भी डाल के ना मैंने इसको सब आधा काम हो गया, बट अभी जो मेन चीज चाहिए आटा वही नहीं है, आटे को मिक्स करके लेना पड़ेगा, हाथ मार के लेना पड़ेगा फटाफट। कुटला करूँ पहले, वर्षा करूँ कपा टिपा मधी। चलो भाई काम करते हैं, और ऐसा काम करते करते तो मैं ब्लॉग नहीं कर सकता। ये इडली का आटा है भाई, इसको मिक्स करना में जो हालत टाइट होती है ना होगा हिसाब। बारिशें बरसती हैं पागल जैसे थिरकती है, तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो। तो फिलहाल इडली डाल के हो गया मेरा, इडली डाल के ले लिया मैंने, और अभी ना ये आटा को पूरा ना डब्बे में निकालना है। डब्बा किधर है इडली का आटा? ये लो टमाटर लो लाल चटनी के लिए, ये लो पकड़ो, लाल चटनी बना रही क्या? डालो क्या? डालो टमाटर। तो डब्बा किधर है इडली का आटे का? डब्बा इडली का आटे का डब्बा बाहर है, आटा वगैरह निकाल के लेते डब्बे में और गाड़ी पर रख देता जमा के। पाइप को ऐसा पीछे से ले गाड़ी के ऐसे, कैसा कोई भी टू व्हीलर आएंगे ना इसके ऊपर से जाएंगे ना बेटा, समझा ना? सो इडली आ चुके, इडली निकाल लेता फटाफट, लेट्स गो। सांभर करे ले, इसको थोड़ा धोके ले लेंगे ना, सामान वगैरह सब कुछ काम हो गया भाई, सांभर वगैरह रखना है बस, सांभर वगैरह ये सांभर मम्मी पैकेट बांध के मदद करेगी बिजनेस पे, क्या बोलो ना? 1 सेकंड
चटनी का ले लूँ क्या? हाँ मिक्स करके। अच्छा भाई बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, मजाक नहीं बहुत रश। तो भाई चलता हूँ गाड़ी पे, काम वगैरह सब कुछ हो चुका है, अच्छे से व्लॉगिंग वगैरह कर नहीं पाया। मैं मेरे से जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काम के साथ ना व्लॉगिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, इसके लिए मैं करता हूँ इतना बिजी रहने के बाद भी। और जो लोग एकदम पहले से व्लॉग देख रहे ना, वो लोग एकदम अच्छे से बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग एकदम अच्छे से पता है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है भाई ये गाड़ी ढकलते लेके जाने के लिए। हाँ वहाँ हाँ काफ़ी ज़्यादा हार्ड है भाई ये गाड़ी ढकलते लेके जाने के लिए, मजाक से हट के। और फाइनली अभी हम लोग इधर नहीं रह गए, जिधर अभी इतने दिन गाड़ी लगा 4 महीना, हमारी जगह जहाँ से हम लोग आए वहाँ पे ही जाएगी अभी। लेट्स गो। स्कूल जा रही थी और मैंने अचानक से देखा अपनी गाड़ी इधर लगी है। क्यों भैया आज इधर क्यों लगी है? इधर का ब्रिज का काम हो गया ना। हाँ तो उधर उधर का ब्रिज का काम। हाँ उधर भी अभी ब्रिज जहाँ पे थी वहाँ पे अब लग चुकी है गाड़ी, और मेरे लिए भी इजी है, मेरी वैन आएगी तो लगे समझेगा ना। और क्या मैं जाते हुए स्कूल, कल आज सेकेंड लास्ट पेपर है। और स्कूल में जाके याद दिला वो 1400 रुपए जो तेरे फीस के बच रहे तो बवाल कर। मैं लेके आऊँ क्या कैश? भाई हाँ कल एक लास्ट पेपर है, फिर तो मैं छुट्टी लूंगी भाई। फिलहाल सुबह के 8:30 बज रहे और मम्मी ने ना सांबर चटनी का सब कुछ स्टॉक करके रखा है, वड़ा भी निकल के रखा है। सांबर लेके चलता हूँ क्योंकि उधर ना दो आदमी कर करके कितना क्या करेंगे, है कि नहीं मम्मी? क्या एक जन सांबर बांधेगा, क्या डैडी डोसा डालेंगे। अभी मेरे को पार्सल करते करते कस्टमर को खाने को भी देने का और इडली भी निकलने का और डालने का भी, 3 काम आ गए मेरे पास। और सेम डैडी को भी टेंशन, मतलब मैं टेंशन मतलब क्या बात है, क्या बात है, स्टार है तुम, स्टार। लोगों को बता दो अंदाजा कभी तक काम खत्म होगा? अरे मैडम सच्ची बोलो, झूठ बोलो, पूरा काम ना 3, 4 लास्ट 4, फिर उसके बाद ब्लॉग भी एडिट करने गए थे घर पे आके। कोई टेबल घर पे आया था, मम्मी फुल कटिंग वगैरह कर रही है भाई। हाँ कटिंग वगैरह एकदम जोर में चले, और हमारी बर्तन धोने वाली आंटी मम्मी को मदद कर रही है आज। कैसे गया आंटी, इतना टाइम कैसे मिला आज? अच्छा घर में कोई नहीं क्या? इसके लिए टाइम पास करने आ गए मम्मी के साथ, मदद कर रहे मम्मी को तुम? हाँ थैंक यू आंटी, अच्छी बात है। ओ छेलू का मैं छिलके लेता, मैं धोके लेता ना ग्राइंडर धोके लू, 2 मिनट ना लगता छिलने। हाँ छिलके दूंगा, 1 मिनट छिलके दे देता हूँ भाई इतना। भाभी को भी काम है अभी 1.5-2 घंटे बाद, भाभी को भी बर्तन धोने का रहता थोड़ा। भाभी बर्तन लेके आया अभी धो लो जाके, हम लोग भी ऐसे घर पे जल्दी चले जाएंगे ना। हाँ वही ना, चाकू का पे छिलने का ये। अरे वो दूसरा वाला चाकू किधर है? आलू वाला यार, वो भारी वाला चाकू नहीं यार। हाँ अरे आप बैठे ले बब्बी, और थोड़ा काम बचा है ग्राइंडर वगैरह धोने का। सो ग्राइंडर ना पिछले 2 महीने बाद धो रहा हूँ भाई मैं। राम भाई जब थे ना तभी काम वगैरह मेरा थोड़ा कम हो गया था मस्त, बट अभी राम भाई के जाने के बाद वापस से काम बढ़ गया, बट कोई टेंशन नहीं है, काम कर लेता हूँ। ये दोनों धो लेता एकदम अच्छे से। वो ते इडली चा पीठ पन मिक्स करे थे ना? हाँ इडली काटे को हाथ मारना है, फिर बाद में चौक में जाके वापस से ठेला ढकल के लेके आना है, फिर ठेला धोना है, फिर अपना काम खत्म भाई। मतलब काम तो है अभी, काम हमको मालूम है कितना है, मम्मी को मालूम है कितना काम है। हाँ पप्पा कुटली, दुनिया की तरह मेहनत है, कुत्ते की तरह। दुनिया का सबसे हार्ड काम बोले ना भाई ये जो हम लोग कर रहे हैं सबसे हार्ड। अगर इधर कौन काम कर दिया ना वो किधर भी काम कर सकता है। रात के ना 8 बज रहे और अभी जस्ट व्लॉग वगैरह एडिट करके हुआ है मेरा, और 6:30 बजे नींद में से उठा, 1.5 घंटे में बैग्स व्लॉग भी एडिट करके हो चुका। सो तुम लोगों ना अभी से मेरा व्लॉग मिलेगा गाइस दोपहर में अराउंड मतलब 2 बजे तक। सो रात को 10 बजे अभी व्लॉग अपलोड करने वाला हूँ मैं। क्यों अपलोड करने वाला हूँ तुम लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, मैं व्लॉग एडिट कर पाता नहीं हूँ, ऐसा नहीं मैं करता हूँ, बट रात को अपलोड करने के लिए ना, फिर एडिटिंग करके अपलोड करने के लिए, फिर वो फाइल ऐसा एक्सपोर्ट होकर ना भारत है तो उसको टाइम लग जाता है। तो सबसे बेस्ट टाइम दोपहर को 2 बजे तुम लोग को व्लॉग मिलेगा, और मैं काम होने के बाद रेस्ट भी ले सकता हूँ, रेस्ट होने के बाद मैं अच्छे से काम भी कर सकता हूँ अपना, तो कोई टेंशन नहीं है। आई होप तुम लोग अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हो, और खाना खाने का भी टाइम आ चुका है, बट खाने से पहले मंदिर जाऊंगा। मिलूंगा कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, कल भी सेम काम करेंगे 12 घंटा, और आई होप तुम लोग भी मेरे साथ, मैं जैसे काम कर रहा हूँ तुम लोग भी कुछ ना तो कुछ कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो बट कर रहे हो। तो मिलता हूँ कल सुबह 4 बजे, टेक केयर गाइस। बाहों में बस तेरी, जब बारिशें बरसती हैं पागल जैसे थिरकती है, तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो।